भादरा उत्तरी जोन में साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्वी दिल्ली नगर निगम उत्तरी जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, निगम उपायुक्त दीपक सिंधे के साथ कई अधिकारी व निगम पार्षद भी मौजूद रहे। चर्चा से पूर्व भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व विधायक साहब सिंह चौहान को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। उसके बाद जनरल विषयों पर चर्चा की गयी। बैठक की शुरुआत करते हुए सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता व उपायुक्त दीपक सिंधे के समक्ष रखी, जिनको उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। निगम उपायुक्त दीपक सिंधे ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहादरा उत्तरी जोन के सभी ऑटो टिपर ट्रैक्टर ट्रॉली में GPRS ट्रैकर लगा दिए गए। वहीं जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने बताया कि निगम की वेबसाइट पर जाकर कोई भी इसे ट्रैक कर सकता है और जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी दिन ऑटो टिपर नहीं आता है तो 1 दिन का किराया तो कटेगा ही, साथ ही उस पर 20% का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज की मीटिंग में काफ़ी पार्षदों ने और काफ़ी लोगों ने विषय उठाया था। कल भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये विषय उठा था। जो अवैध पार्किंग स्पेशली जो खजूरी से लेके शास्त्री पार्क तक पूछता है, उसमें काफ़ी जगह पे चल रही जो ऑथराइज पार्किंग है MCD की, उसमें भी ये शिकायत बार बार आ रही है कि जितना हमको लैंड आवंटित किया गया उससे ज़्यादा वो पार्किंग कर रहे हैं वहाँ पर। तो हमने RP सेल जो हेडक्वार्टर में बैठता है उनसे बात भी कर ली, और उनका एक मेंबर हमारे टीम में होगा और नेक्स्ट वीक में हम पूरा अभियान चलाएंगे उस एरिया में जो भी अवैध पार्किंग है उनकी हम गाड़ियाँ उठाएंगे। इसके अलावा भी कुछ कंजेशन की कंप्लेंट्स हैं जहाँ स्पेसिफिक गाड़ी के रिलेटेड दुकानें हैं, गैरेजेस हैं, तो जो स्पेसिफिक इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम लगाएंगे। लेकिन पहला फोकस एटलीस्ट नेक्स्ट 7-8 डेज के लिए हमारा अवैध पार्किंग। देखिए, आज हमारी वार्ड कमेटी की बैठक में सर्वप्रथम हमारे श्रद्धेय अटल जी और हमारे क्षेत्र में कई वरिष्ठ नेताओं की और कार्यकर्ताओं के मृत्यु का शोक संदेश पढ़ा गया। इस बैठक ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उसके बाद बैठक के अंदर जनरल विषय पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दा रहा ऑटो टिप्पर्स की सर्वेलेंस और ऑटो टिप्पर्स की कार्य की गुणवत्ता जांचने का विषय रहा। इसके अलावा एक कार टो करने का जो इशू होता है MCD के माध्यम से, उसके विषय पर गंभीर चर्चा हुई और बहुत सारे विषय चर्चा में आए और एक प्रस्ताव पास किया गया पूरे आज वार्ड कमेटी की बैठक के द्वारा सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों के द्वारा, जिसमें सैनिटरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि निगम का सबसे प्रमुख कार्य मुझे लगता है कि स्वच्छता है और स्वच्छता का स्तर हमारा बढ़े उसको बढ़ाने के लिए निगम कर्मचारी और संसाधन टिप्पर ऑटो टिप्पर वगैरह बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इन विषयों पर चर्चा हुई और मैं बहुत बधाई देता हूँ अपने सभी पार्षद बहन भाइयों को, चाहे वो किसी भी पार्टी दल से रहे हों। सभी ने बड़ी गंभीरता के साथ अपने अपने विषय को रखा और बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ अपनी अपनी बातों को रखा और बहुत हेल्दी डिस्कशन आज हुआ। और फिर से मैं एक बार बधाई दूंगा, 3 घंटे से भी ऊपर आज हमारी बैठक चली और उस बैठक के अंदर बिना किसी आपसी विवाद के अपने अपने विषय रखे और इतनी लंबी और इतनी कामयाब बैठक के लिए मैं सभी को फिर एक बार बधाई देता हूं। बैठक में उपस्थित निगम पार्षदों ने जोन चेयरमैन के सामने अपने अपने वार्ड की समस्याएं रखी, जिनको चेयरमैन ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अगले महीने सिग्नेचर नहीं करेगा अगर इसकी लाइट चली नहीं तो वो काउंसलर उसको सिग्नेचर नहीं करता था, मैं नहीं करूंगा। न्याय की राहें तो देखते रहिए तेज निगाह।